ज्ञान इंस्टीट्यूट। ज्ञान इंस्टीट्यूट के आज के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ खास, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार, मैं शैलेंद्र जैन ज्ञान इंस्टीट्यूट परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम कुछ कंप्यूटर में जो वर्ड्स यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम चाहे कोई भी कंप्यूटर का एग्ज़ाम हो, DCA, PGDCA, CPCT, कोई भी एग्ज़ाम हो, कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी हमें पता होना चाहिए। दो चार डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे जो बार बार यूज़ होता है, बार बार बायवा में पूछ लिया जाता है, हर जगह इनके बारे में पूछ लिया जाता है कंप्यूटर के बारे में। तो सबसे पहला वर्ड हम आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है बूटिंग। एक वर्ड आता है बूटिंग, कि बूटिंग होता क्या है, तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि बूटिंग होता क्या है। आपको मालूम होना चाहिए कि बूटिंग है क्या। तो बूटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी की फाइलें प्राइमरी मेमोरी में लोड होती हैं। कोई पूछने लगे बूटिंग क्या है, तो आप बोल सकते हैं सर बूटिंग इज अ प्रोसेस। बूटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें हम सेकेंडरी मेमोरी की फाइलें प्राइमरी मेमोरी में लोड करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी की फाइलें प्राइमरी मेमोरी में लोड करते हैं। और बूटिंग प्रोसेस को कौन संभव बनाता है, रोम का एक प्रोग्राम जिसका नाम है BIOS। रोम का एक प्रोग्राम जिसका नाम है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये रोम का प्रोग्राम होता है। रोम पता होगा, रीड ओनली मेमोरी, उसका एक प्रोग्राम है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बूटिंग प्रोसेस को संभव बनाता है। सर ये प्रक्रिया क्यों होती है, तो उसका भी रीज़न हम बताए दे रहे हैं आपको। ये प्रक्रिया इसलिए होती है, जब आप काम करते हैं कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर पे कोई भी काम करते हैं तो वो काय पर होता है, रैम पर। इसीलिए कहते हैं रैम बहुत अच्छी लेना चाहिए कंप्यूटर की। अभी लेटेस्ट कम से कम आपके सिस्टम में 4GB तो होना ही चाहिए। तो रैम पर जो भी हम काम कर रहे हैं वो सब डिपेंड काय पे करता है, रैम पर। जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना ज़्यादा स्पीड वर्क करता है। हमेशा कंप्यूटर दो चीज़ों पर अच्छी लेनी चाहिए, एक प्रोसेसर और एक रैम। तो रैम क्या है आपकी, रैम है आपकी क्या बेटा, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो भी काम कर रहे हैं वो सारा का सारा काम कहाँ हो रहा है, प्राइमरी मेमोरी पर। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी पर हो रहा है, ये सारा का सारा काम प्राइमरी मेमोरी पर हो रहा है। और लाइट अगर चली गई तो ये डेटा क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा, क्योंकि रैम क्या ऐसी मेमोरी है, अस्थाई मेमोरी। ठीक है, तो इसलिए इस फाइल को अपन जो भी काम करते हैं फाइल को क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो फाइल को जैसे ही सेव करते हैं तो वो कहाँ चली जाती है, सेकेंडरी मेमोरी में। मतलब कौन सा कहाँ पर जाके स्टोर हो जाएगी, मतलब कहाँ स्टोर हो जाएगी, हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, जब भी हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो कहाँ रहेगा, रैम पर। रैम पर रहेगा, लाइट अगर उस बीच चली गई तो डेटा चला जाएगा, क्योंकि रैम कैसी मेमोरी है, अस्थाई मेमोरी। लेकिन अगर हम फाइल को सेव कर दे रहे तो वो फाइलें कहाँ चली गई, सेकेंडरी मेमोरी में, मतलब हार्ड डिस्क में। तो फाइलें कहाँ सेव रहती है, सुरक्षित, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं या एप्लीकेशन या आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो सारे के सारे काय में रहते हैं, आपके हार्ड डिस्क में रहते हैं, सारे के सारे हार्ड डिस्क में रहते हैं। ठीक है, जैसे ही आप सिस्टम शट डाउन कर देंगे तो वो काय पे चले जाएंगे, हार्ड डिस्क में चले जाएंगे। तो बूटिंग क्यों होती है, क्योंकि पूरे के पूरे डेटा कहाँ है, हार्ड डिस्क में। आपका चालू कर रहे हैं तो वो कहाँ लाना है आपको, प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम पर।
तभी तो काम करेगा, रैम पर आ जाएगा तभी तो काम करेगा। तो इसीलिए सेकेंडरी मेमोरी की फाइल हमें कहाँ लाना पड़ता है, प्राइमरी मेमोरी पर। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। कुछ लोग कह देते हैं कंप्यूटर के चालू होने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। ठीक है, कंप्यूटर के चालू होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। क्लियर है, बूटिंग मतलब सेकेंडरी मेमोरी की फाइलें प्राइमरी मेमोरी में लोड होना। एक जनरल लैंग्वेज में और समझ सकते हैं, सुबह आप सो के उठते हो, जब सो जाते हो रात के फिर सुबह उठते हो, तो सुबह उठते टाइम पे कई बार आपने देखा होगा बूटिंग ही प्रोसेस होती है। आप रात के सो गए, सारी फाइलें आपकी कहाँ चली गई, सेकेंडरी मेमोरी में चली गई। और सुबह उठते हो तो आपको काहे पे लाना पड़ता है, रैम पर लाना पड़ता है। लाना पड़ता है कि नहीं, अपन सोचते हैं कई बार, तो ये सोचते कहाँ सोए थे, कैसे सोए थे। ठीक है, फिर अपन सोचते हैं कि अपन कहाँ हैं। ठीक है, तो वो ही सेकेंडरी मेमोरी की फाइलें कहाँ लोड हो रही हैं, प्राइमरी मेमोरी में लोड हो रही हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। और बूटिंग कौन संभव बनाता है, रोम का प्रोग्राम। क्या है रोम के प्रोग्राम का नाम, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये बूटिंग प्रोसेस को संभव बनाता है। क्लियर है। अब आपको एक चीज और याद रखना, बूटिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग और एक होती है आपकी वार्म बूटिंग। एक कोल्ड बूटिंग, एक होती है आपकी वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग आपको पता होना चाहिए। एक कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग क्या है, तो कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग में पता होना चाहिए कोल्ड क्या होती है, वार्म क्या होती है। तो कोल्ड बूटिंग मतलब कंप्यूटर को पुनः चालू करने की प्रक्रिया। कंप्यूटर चल रहा था, हैंग हो गया, आप पुनः रीस्टार्ट मार दिया है, स्विच बंद करके फिर से चालू करके आपने चालू कर दिया। तो ये जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को बोलेंगे कोल्ड बूटिंग। कंप्यूटर को पुनः चालू करने की प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, आपकी कोल्ड बूटिंग कहलाती है। और वार्म बूटिंग जिसमें आप कंट्रोल अल्ट और डिलीट इन तीन की को एक साथ दबाते हैं और उसके बाद जो प्रोसेस होती है, अल्ट कंट्रोल डिलीट को तीन की एक साथ प्रेस करते हैं और उसके बाद जो बूटिंग प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम कौन सी प्रोसेस कहते हैं, उस प्रोसेस को हम वार्म बूटिंग कहते हैं। क्लियर है, बूटिंग क्लियर होगी हमारे हिसाब से। बूटिंग मतलब कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया। तो ये वर्ड कई बार पूछा गया है, तो बूटिंग आपका क्लियर हो गया होगा। सेकेंड वर्ड हम बता रहे हैं आपका प्रोटोकॉल। एक वर्ड और यूज होता है प्रोटोकॉल। व्हाट इज प्रोटोकॉल, कंप्यूटर नेटवर्क में प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या है। कई बार कह देते सर SMTP प्रोटोकॉल है, FTP प्रोटोकॉल है, टेलनेट प्रोटोकॉल है। ठीक है, आपका HTTP क्या है, प्रोटोकॉल। लेकिन एक्चुअल में प्रोटोकॉल होती क्या है, तो प्रोटोकॉल मतलब कलेक्शन ऑफ रूल ऑन नेटवर्क ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर या नेटवर्क पर आपका नियमों के जो समूह होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। जो रूल्स होते हैं, रूल्स का समूह क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल कहलाता है। ये सारी प्रोटोकॉल के नाम लिखे हैं। SMTP क्या है, एक प्रोटोकॉल है, पता ही होगा फुल फॉर्म, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP क्या है, एक प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टेलनेट क्या है, एक प्रोटोकॉल है। HTTP क्या है, एक प्रोटोकॉल है। सब एक पूरा प्रोटोकॉल का अपन टॉपिक लेंगे, लेकिन अभी तो अपन टर्म्स के बारे में समझ रहे हैं कि प्रोटोकॉल होता क्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा, प्रोटोकॉल मतलब होता है नियमों का समूह। इंटरनेट पर नियमों का समूह क्या कहलाता है, आपका प्रोटोकॉल कहलाता है। अब दूसरी चीज, आपको एक और कंफ्यूजन रहता है, नेटवर्क इंटरनेट और इंट्रानेट। इंटरनेट और इंट्रानेट इन सब में कंफ्यूजन होता है। एक और आजकल चल रहा है एक्स्ट्रानेट, नेट लगा है सब में,
नेटवर्क, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्सट्रानेट क्या होते हैं सर? ये इंटरनेट, नेटवर्क, आपका एक्सट्रानेट, ये सब क्या होते हैं ये आपको क्या कहते हैं बताना है। तो सबसे पहले आप नेटवर्क लिखेंगे कि नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क आपको हम बता चुके हैं, नेटवर्क हम आपको बता चुके हैं नेटवर्क क्या होता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ना, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। किसी कनेक्टिविटी डिवाइस के द्वारा, किसी कनेक्टिविटी डिवाइस के द्वारा अगर आप दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ रहे हैं तो उसे बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क मतलब दो या दो से अधिक सिस्टम को किसी कनेक्टिविटी डिवाइस के द्वारा आपस में जोड़ना कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। और इंटरनेट, इंटरनेट आपका कहलाता है दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ना। एक ये नेटवर्क हो गया, एक ये नेटवर्क हो गया, एक और नेटवर्क हो गए, ऐसे दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, इंटरनेट। ठीक है, इंट्रानेट मतलब क्या होगा? इंट्रानेट मतलब होगा आपका प्राइवेट नेटवर्क। इंटरनेट तो एक वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, लेकिन कई प्राइवेट संस्थाएं अपना खुद का एक नेटवर्क स्थापित कर देती हैं, उन नेटवर्क को बोलते हैं आप इंट्रानेट। किसी संगठन या किसी संस्था का खुद का प्राइवेट नेटवर्क आपका क्या कहलाता है, इंट्रानेट कहलाता है, इंट्रानेट। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खुद का नेटवर्क होता है, वही टीम के लोग आपस में काम करते रहते हैं, तो उनका क्या हो गया, एक इंट्रानेट हो गया। और एक्स्ट्रानेट मतलब सेमी प्राइवेट नेटवर्क। जो प्राइवेट नेटवर्क है वो अपने छोटे छोटे से आपके कियोस्क खोल देते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वालों ने अपने छोटे छोटे से कियोस्क खोल दिए, तो क्या हुआ, उनने अपने प्राइवेट नेटवर्क को टुकड़ों में बांट दिया, तो वो सेमी प्राइवेट नेटवर्क आपका कौन सा नेटवर्क कहलाएगा, एक्स्ट्रा नेट कहलाएगा। तो वो आपका क्या है, एक्स्ट्रा नेट है। ठीक है, तो सेमी प्राइवेट नेटवर्क इज कॉल्ड अ एक्स्ट्रा नेट। तो क्लियर हो गया होगा, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेटवर्क मतलब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ना किसी कनेक्टिविटी डिवाइस के द्वारा, वो कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क। और कई सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ दो तो वो क्या कहलाता है, इंटरनेट। और प्राइवेट नेटवर्क जो होगा आपका, प्राइवेट नेटवर्क को हम बोलते हैं इंट्रानेट, और सेमी प्राइवेट नेटवर्क को आप क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रानेट। तो इनमें आप कंफ्यूज्ड मत होना, आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में क्या डिफरेंस है। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, डीपली में अपन को सब पढ़ना है। कई बार पेपर में पूछा है एटीएम मशीन किसका उदाहरण है, तो एटीएम मशीन आपका वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। और वाइड एरिया नेटवर्क ही आपका क्या कहलाता है, इंटरनेट। इंटरनेट एक प्रकार का वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, ध्यान रखना, एटीएम मशीन काय का उदाहरण है, वैन का, और वैन ही एक प्रकार का इंटरनेट है। और कक्षा दसवीं में आपने एक चीज और पढ़ी होगी सामाजिक विज्ञान में कि इंटरनेट जो था वो इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है इंटरनेट। कई बार दसवीं वाले बच्चों को पूछा जाता है कि इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त रूप क्या होता है, इंटरनेट होता है। इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त रूप क्या होता है, इंटरनेट। और इंटरनेट को पहले क्या नाम रखा गया था, इंटरनेट का पहले नाम क्या रखा गया था, आर्पानेट। और आर्पानेट कब बना था, 1969 में। पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, भारत का या विश्व का सबसे पहला नेटवर्क, तो भारत का और विश्व का सबसे पहला नेटवर्क क्या था, विश्व का सबसे पहला नेटवर्क आर्पानेट था, जिसको 1969 में अमेरिका रक
के रक्षा विभाग द्वारा डेवलप किया गया था, आर्पानेट। और फिर उसके बाद उसका नाम रखा गया इंटरनेट। इंटरनेट की सुविधा भारत में कब आई थी? तो इंटरनेट की सुविधा भारत में 15 अगस्त 1995 में आई थी। भारत में इंटरनेट सुविधा कब आई थी? 15 अगस्त 1995 में। और किस ने दी थी? VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। फिर इसके बाद VSNL आया, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो पहला आईएसपी जिसने भारत में इंटरनेट की सेवा दी थी वो आईएसपी है आपका VSNL। अब सर ये आईएसपी क्या होता है? आईएसपी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, इंटरनेट सेवा प्रदाता, जिससे हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं। आप भी अगर इंटरनेट चला रहे हो तो अभी मोबाइल का डेटा कनेक्शन चालू करोगे तो आपके मोबाइल के अंदर एक कोई सिम डली होगी, उससे पहले आप डेटा कनेक्शन चालू करोगे, परमिशन लोगे, तो वही तो एक आईएसपी है आपका। जियो, आजकल सबसे ज़्यादा जियो, तो जियो क्या है? एक आईएसपी है। लेकिन पहले कौन सी चलती थी? VSNL, आइडिया, ये सारी आईएसपी हैं, ठीक है। तो आपका इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, ये सारी चीज़ें के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आईएसपी भी क्लियर हो गया होगा कि आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट की सेवा प्रदान करने वाली कंपनी। और सबसे पहली कंपनी भारत में VSNL आई थी, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं, अब आपको कंफ्यूज्ड मत होना, नहीं होना है। अब इसके बाद एक वर्ड आता है, इसके बाद आपका एक वर्ड आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। सर ये OISP तो बता दिया, OSI और TCP/IP ये क्या हैं सर? तो OSI और TCP/IP ये दो मॉडल यूज होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, एक OSI और एक होता है TCP/IP। ये मॉडल्स हैं, OSI मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन और TCP/IP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दो मॉडल हैं जिनका उपयोग क्या कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क पे किया जाता है। दोनों में अंतर, सबसे पुराना मॉडल TCP/IP, लेटेस्ट मॉडल OSI मॉडल। ये कितनी लेयर का होता है? 7 लेयर वाला। और ये कितनी लेयर वाला होता है? 4 लेयर्स वाला। ये सबसे पुराना मॉडल। तो कहते हैं ना इंटरनेट वाला मॉडल कौन सा, इंटरनेट मॉडल का नाम बताओ, तो TCP/IP मॉडल। और लेटेस्ट मॉडल कौन सा है? OSI। OSI का पूरा नाम नोट कर लेना, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, 7 लेयर वाला है, और TCP/IP 4, ठीक है। तो TCP/IP मॉडल अगर एक साथ लिखा और TCP अकेला लिखा है तो आपका प्रोटोकॉल है, ध्यान रखना। TCP/IP लिखा है तो आपका मॉडल है, और TCP अकेला बात कर रहे हैं तो प्रोटोकॉल, IP की बात कर रहे हैं तो प्रोटोकॉल है आप, ठीक है, क्लियर है। तो ये वर्ड्स आपको कंफ्यूज करते थे वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए, ये TCP/IP और OSI मॉडल क्या होते हैं, इनके बारे में ब्रीफ में पढ़ना है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था। इसके बाद कुछ और वर्ड यूज होते हैं आपके, जिनको आपके मालूम होना चाहिए आपको, जैसे कि एक्सटेंशन हम बता ही चुके हैं, एक्सटेंशन और डोमेन नेम में क्या अंतर है, एक्सटेंशन और डोमेन नेम में क्या अंतर है, और IPv4
और IPV6 क्या है जी, सब हम बता देंगे आपको। IPV4 IPV6 बाद में बता देंगे, अभी लास्ट एक ही अंतर और देख लो, एक्सटेंशन और डोमेन नेम क्या होता है। तो देखो भैया, एक्सटेंशन और डोमेन नेम में सिर्फ इतना अंतर है, ये इंटरनेट पर यूज़ होता है, ये फाइलों में यूज़ होता है। मतलब अगर कोई वेबसाइट दी गई है, अगर कोई वेबसाइट दी गई है तो वो वेबसाइट के बाद, जैसे गूगल www.google के बाद ये .com लगा है, इंटरनेट पे .com .in .edu .org ये लगे हैं, तो ये सब क्या हैं, डोमेन नेम। और अगर .docx .xlxx .pptx ये लगे हैं, ये एक्सटेंशन है, सब डॉट के ही बात यूज़ होते हैं। लेकिन वेबसाइट के बाद अगर लगे हैं, वेबसाइट में इंटरनेट पे डॉट यूज़ हो रहे हैं, तो वो क्या हैं, डोमेन नेम। और अगर फाइल में यूज़ हो रहे हैं, ऑफलाइन यूज़ हो रहे हैं, तो वो आपके क्या हैं, एक्सटेंशन। फाइलों को पहचानने का तरीका है एक्सटेंशन, वेबसाइट किस टाइप की है ये पहचानने का तरीका डोमेन नेम। .com लगा कॉमर्शियल है, .edu लगा एजुकेशनल है, मतलब शैक्षणिक है। तो वेबसाइट को पहचानना है कि वो वेबसाइट किस टाइप की है, उसको पहचानने का तरीका डोमेन नेम। और आपको फाइलों को पहचानना, कंप्यूटर में कोई फाइल डाली है वो किस टाइप की है, ये पहचानने का तरीका क्या कहलाता है आपका, एक्सटेंशन कहलाता है। एक्सटेंशन मतलब फाइलों को पहचानने का तरीका, और डोमेन नेम मतलब वेबसाइट को पहचानने का तरीका, ठीक है। अब यहीं से एक और कॉन्सेप्ट मिल गया, वेबसाइट क्या होती है। तो वेबसाइट आपको पता ही होगी, कई सारे वेब पेजेस को अगर इकट्ठा कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, वेबसाइट। कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड अ वेबसाइट। वेब पेजेस के समूह को हम वेबसाइट कहते हैं, और वेब पेज किसी ना किसी टैगिंग लैंग्वेज में बनाई जाती है, ठीक है। और हर वेबसाइट के प्रथम पेज को हम क्या बोलते हैं, होम पेज कहते हैं। वेबसाइट के प्रथम पेज को हम क्या कहते हैं, वेबसाइट के प्रथम पेज को हम होम पेज कहते हैं। कई बार PSC के एग्जाम में देखा हमने, MPPSC में, कि वेबसाइट के प्रथम पेज को हम क्या कहते हैं, तो वेबसाइट के प्रथम पेज को हम होम पेज कहते हैं। क्लियर है। तो ये लेक्चर जो हमने आपको पढ़ा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई साहब, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप इनको एक एक करके पॉइंट कर लो वन लाइन फैक्ट में और लिख लो। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आप हमसे पर्सनली मिलके शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, आज का आपका होमवर्क हम दे रहे हैं, इतना तो हमने आपको बता दिया। अब होमवर्क है आपका, ठीक है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, पहला क्वेश्चन, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। दूसरा क्वेश्चन, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर। तीसरा क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर के पिता कौन हैं, सुपर कंप्यूटर के पिता कौन हैं, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के पिता कौन हैं, सुपर कंप्यूटर के पिता कौन हैं। ये तीन क्वेश्चन जो हैं वो आपको याद हो तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, देख रहे हैं। और उसके बाद आप और क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो कंपटीशन की दृष्टि से और CPCT की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।